नमस्कार दोस्तों, प्रभात एग्जाम्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस सीरीज में हम एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी के यूपीएससी के प्रीलिम्स के क्वेश्चन पेपर देख रहे हैं। पिछले दो वीडियो में हमने 2015 और 2016 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखे। आज के इस वीडियो में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस फ्रॉम 2017 देखेंगे फॉर द सब्जेक्ट एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। पहला क्वेश्चन है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड यानी के बीओडी इज ए स्टैंडर्ड क्राइटेरिया फॉर विच ऑफ दीज, राइट? सो बीओडी यानी के बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, ये एक मेजर है वाटर पोल्यूशन मेजर करने का। और बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड हमें ये जानकारी देता है कि किसी लेक या किसी वाटर बॉडी की ऑक्सीजन डिमांड बढ़ गई है या नहीं। अगर बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बढ़ गई है तो उसका मतलब ये है कि एक्टिविटी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैज इंक्रीज्ड इन दैट लेक और वाटर बॉडी, और उसके वजह से उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ज़्यादा ऑक्सीजन लगेगा। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की एक्टिविटी क्यों बढ़ी है उस लेक इकोसिस्टम में। उसका कारण है उस लेक इकोसिस्टम में ज़्यादा ऑर्गेनिक मैटर का प्रेजेंस होना। अगर ज़्यादा ऑर्गेनिक मैटर किसी लेक इकोसिस्टम में होता है तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को उसे डीकम्पोज करने के लिए उनकी एक्टिविटी को फास्ट करना होगा, और उसके वजह से वहाँ पे ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ जाएगी। और अगर ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ जाती है तो वो एक इंडिकेटर माना जाता है वाटर के पोल्यूशन लेवल का। ज़्यादा बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड यानी ज़्यादा पोल्यूटेड वाटर बॉडी, राइट? सो द बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड इज ए क्राइटेरिया फॉर पोल्यूशन एसे इन एक्वेटिक इकोसिस्टम। ये हमें क्या जानकारी देता है? ये हमें जानकारी देता है कि उस वाटर बॉडी में पोल्यूशन लेवल कितना है, और उस वजह से इस क्वेश्चन का आंसर है सी, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन, सो आप देख सकते हो एक्सप्लेनेशन में, बीओडी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड इज ए मेजर ऑफ द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड टू मेजर रिमूव वेस्ट ऑर्गेनिक मैटर फ्रॉम वाटर इन द प्रोसेस ऑफ डीकम्पोजिशन बाय एरोबिक बैक्टीरिया, राइट? सो इट इज ए मेजर टू रिमूव और डीकम्पोज ऑर्गेनिक मैटर बाय एरोबिक बैक्टीरिया, राइट? सो इसी वजह से इस क्वेश्चन का आंसर है बीओडी। ये हमें क्या जानकारी देता है? बीओडी हमें जानकारी देता है किसी भी वाटर बॉडी के पोल्यूशन लेवल की, और उसी वजह से आंसर है सी, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सॉल्विंग पोल्यूशन प्रॉब्लम्स व्हाट इज आर द एडवांटेजेस ऑफ बायो रेमिडिएशन टेक्निक, राइट? सो ये क्वेश्चन पोल्यूशन इस टॉपिक से पूछा गया है, और ये क्वेश्चन फोकस कर रहा है एक पोल्यूशन रिड्यूस करने की टेक्निक के ऊपर जिसे कहते हैं बायो रेमिडिएशन। बायो रेमिडिएशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स यूज करके किसी भी ऑर्गेनिक वेस्ट को एड्रेस कर सकते हैं, राइट? सो चलिए देखते हैं क्या स्टेटमेंट्स दिए गए इस क्वेश्चन में। पहला स्टेटमेंट है, इट इज ए टेक्निक फॉर क्लीनिंग अप पोल्यूशन बाय एनहांसिंग द सेम बायोडिग्रेडेशन प्रोसेस दैट ऑकर्स इन नेचर, राइट? सो पहला स्टेटमेंट बोल रहा है ये बायो रेमिडिएशन एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हम किसी भी वेस्ट को, जो ऑर्गेनिक वेस्ट है, उसे एड्रेस कर सकते हैं by the use of biodegradable process or biodegradation process that occurs in nature. और इसी वजह से ये statement सही statement है, क्योंकि bioremediation में हम microorganisms का use करके organic waste को address करते हैं, and that's why first statement is correct statement. दूसरा statement है, any containment with heavy metals such as cadmium and lead
कैन बी रेडिली एंड कंप्लीटली ट्रीटेड बायोरेमिडिएशन यूजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, राइट। सो ये स्टेटमेंट गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैडमियम और लेड जैसे पोल्यूटेंट को डिग्रेड नहीं कर पाता है, और उसी वजह से बायो रेमिडिएशन इज नॉट ए टेक्निक टू रिड्यूस कैडमियम एंड लेड, एंड हेंस सेकेंड स्टेटमेंट हमारा यहाँ पे गलत है। थर्ड स्टेटमेंट है, जेनेटिक इंजीनियरिंग कैन बी यूज टू क्रिएट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स स्पेसिफिकली डिजाइंड फॉर बायो रेमिडिएशन, राइट। सो जेनेटिक इंजीनियरिंग ये सबसे एडवांस्ड फॉर्म है बायोटेक्नोलॉजी का, और इस जेनेटिक इंजीनियरिंग की प्रोसेस के बेसिस पे हम कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स तैयार कर सकते हैं जिसे हम बायो रेमिडिएशन टेक्निक में यूज कर पाए, और उस वजह से ये थर्ड स्टेटमेंट भी सही स्टेटमेंट है, राइट। सो हम देख सकते हैं स्टेटमेंट नंबर 1 और स्टेटमेंट नंबर 3 करेक्ट स्टेटमेंट है बायो रेमिडिएशन के लिए, और उसी वजह से इस क्वेश्चन का आंसर है 1 and 3 ओनली, जो हमें ऑप्शन सी में दिया गया है, राइट। सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज सी, 1 and 3 ओनली। सो ये बायो रेमिडिएशन की डेफिनेशन है, हम सिर्फ डेफिनेशन देखेंगे। बायो रेमिडिएशन इज द यूज ऑफ लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स टू डिग्रेड द एनवायरमेंटल कंटेमिनेंट्स इनटू लेस टॉक्सिक फॉर्म्स, राइट। सो ये है बायो रेमिडिएशन की डेफिनेशन, आप इस एक्सप्लेनेशन को आपके घर पे पढ़ सकते हैं, क्योंकि पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगला सवाल है, इट इज पॉसिबल टू प्रोड्यूस अलगे बेस्ड बायोफ्यूल्स, राइट। सो द स्टेटमेंट इज इट इज पॉसिबल टू प्रोड्यूस अलगे बेस्ड बायोफ्यूल्स, बट वॉट इज आर द लाइकली लिमिटेशंस ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज इन प्रमोटिंग दिस इंडस्ट्री, राइट। सो ये क्वेश्चन हमें पूछा गया है बायोफ्यूल्स पे, कौन से बायोफ्यूल्स, ऐसे बायोफ्यूल्स जो अलगे बेस्ड बायोफ्यूल्स है, राइट। सो बायोफ्यूल्स एक ऐसा फ्यूल है जिसमें हम बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स या बायोमास का उपयोग करके फ्यूल डेवलप करते हैं, और उस वजह से ये फ्यूल थोड़ा सा एनवायरमेंटली फ्रेंडली माना जाता है, राइट। सो बायोफ्यूल्स आर दोज फ्यूल्स विच आर बेस्ड अपॉन बायोमास एंड दे आर कंसिडर्ड एनवायरमेंट फ्रेंडली फ्यूल। सो चलिए देखते हैं स्टेटमेंट्स क्या है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, प्रोडक्शन ऑफ अलगे बेस्ड बायोफ्यूल्स इज पॉसिबल इन सीज ओनली एंड नॉट ऑन कॉन्टिनेंट्स। सो हमने पिछले वीडियो में देखा कुछ ऐसे वर्ड्स है, जैसे कि इस स्टेटमेंट में है वर्ड ओनली। सो ये एक एक्सट्रीम वर्ड माना जाता है, और अगर ऐसे एक्सट्रीम वर्ड्स आते हैं किसी भी स्टेटमेंट में तो वो स्टेटमेंट ज़्यादातर इनकरेक्ट होता है, और ये स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट है, क्योंकि हमने देखा है कि अलगे का ज़्यादातर प्रोडक्शन सी में पॉसिबल है, बट दैट डज नॉट मीन वी कैनॉट प्रोड्यूस अलगे ऑन लैंड, राइट। सो ज़्यादातर अलगे हमें वाटर बॉडीज में मिलते हैं, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि हम कॉन्टिनेंट्स पे अलगे का प्रोडक्शन नहीं कर पाए। सो उस वजह से ये स्टेटमेंट गलत स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट है, सेटिंग अप एंड इंजीनियरिंग द अलगे बेस्ड बायोफ्यूल्स बायोफ्यूल्स प्रोडक्शन रिक्वायर्स हाई लेवल ऑफ एक्सपर्टीज टेक्नोलॉजी अंटिल द कंस्ट्रक्शन इज कंप्लीट। ये स्टेटमेंट सही स्टेटमेंट है, क्योंकि अलगे बेस्ड बायोफ्यूल्स ये एक एक्सपर्ट एनवायरनमेंट में किया जा सकता है, ये एक एक्सपर्ट एनवायरनमेंट में डेवलप किया जाने वाला बायोफ्यूल है, और उस वजह से हमें कुछ हद तक टेक्नोलॉजिकल एक्सपर्टीज लग सकता है अलगे बेस्ड बायोफ्यूल्स में, और उसी वजह से ये स्टेटमेंट सही स्टेटमेंट है। अगला स्टेटमेंट, थर्ड स्टेटमेंट है, इकोनॉमिकली वायबल प्रोडक्शन नेसेसिटेट्स द सेटिंग अप ऑफ लार्ज स्केल फैसिलिटीज विच में रेज इकोलॉजिकल एंड
सोशल कंसर्न्स। सो अल्गे बेस्ड बायोफ्यूल्स का प्रोडक्शन अगर हमें करना होगा तो हमारे पास एक लैंड इकोसिस्टम चाहिए जिसमें हमें उस अल्गे का प्रोडक्शन हम कर पाए। अगर वो लैंड इकोसिस्टम हमें चाहिए होगी तो वी मे टेंड टू क्लियर सर्टन फॉरेस्ट और उसे उस वजह से इकोलॉजिकल इम्पैक्ट हो सकता है। और एक क्वेश्चन आता है, अगर हम एग्रीकल्चरल लैंड यूज करना चाहते हैं अल्गे बेस्ड बायोफ्यूल्स के प्रोडक्शन के लिए तो एक वो सोशल कंसर्न भी सामने आता है। सो एज अ रिजल्ट ऑफ अल्गे बेस्ड बायोफ्यूल देर मे बी ए क्वेश्चन मार्क ऑन दी इकोलॉजी एंड दी सोशल इश्यूज मे ऑल्सो बी रेज्ड एज अ रिजल्ट ऑफ कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ अल्गे बेस्ड बायोफ्यूल्स, राइट। सो इसीलिए ये स्टेटमेंट भी सही स्टेटमेंट है और उस वजह से आंसर हमारा होगा बी 2 and 3 ओनली, क्योंकि सेकेंड स्टेटमेंट और थर्ड स्टेटमेंट यहाँ पे सही स्टेटमेंट है, राइट। सो एक्सप्लेनेशन दिया गया है बायोफ्यूल्स क्या है। एनी फ्यूल दैट इज डिराइव फ्रॉम बायोमास दैट इज प्लांट और अल्गे मटेरियल और एनिमल वेस्ट इज कंसिडर्ड एज ए बायोफ्यूल। ये ट्रेडिशनल फॉसिल फ्यूल नहीं है, ये एक बायोफ्यूल है क्योंकि बायोफ्यूल्स हम बायोमास से प्रोड्यूस करते हैं। सिंस सच फीड स्टॉक मटेरियल कैन बी रिप्लेनिश रेडिली बायोफ्यूल इज कंसिडर्ड टू बी ए रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। बायोफ्यूल्स हम रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी मानते हैं क्योंकि बायोमास का हम रिन्यूएशन कर सकते हैं इसीलिए, राइट। सो दैट इज द डेफिनेशन ऑफ बायोफ्यूल्स। आप इस एक्सप्लेनेशन को आप पढ़ सकते हैं फ्रॉम द PDF गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। आंसर है हमारा बी। अगला क्वेश्चन है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मिटिगेटिंग द इम्पेंडिंग ग्लोबल वार्मिंग ड्यू टू एंथ्रोपोजेनिक emissions of carbon dioxide, which of the following can be potential sites for carbon sequestration, right? So ye question pucha gaya hai carbon sequestration pe. Carbon sequestration ek aisi process hai jisme hum atmospheric carbon dioxide ko capture karke store kar sakte hai aur as a result of this we can make sure that global warming and thus climate change can be addressed, right? So carbon sequestration ki process ke wajah se hum global warming ki process ko address kar sakte hai aur global warming ka ultimate result jo hai climate change uska bhi carbon sequestration ek solution mana jata hai. To carbon sequestration mein hum atmospheric carbon dioxide ko capture karke store kar sakte hai, lekin इस स्टोरेज के दरमियान हम कुछ साइट्स का उपयोग कर सकते हैं और उन साइट्स में कौन सी साइट्स हो सकती है ये क्वेश्चन ने आपको पूछा है यहाँ पे। सो वो कार्बन डाइऑक्साइड जो हमने कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन प्रोसेस में कैप्चर किया है वो हम अबंडेंट अनइकोनॉमिक कोल सिम्स में स्टोर कर सकते हैं, हाँ हम कर सकते हैं। सेकेंडली डिप्लीटेड ऑयल एंड गैस रिजर्वायर्स में कर सकते हैं क्या, हाँ हम गैस रिजर्वायर्स और जो ऑयल वेल्स है जो अभी नॉन फंक्शनल है उन ऑयल वेल्स में भी हम कार्बन डाइऑक्साइड को स्टोर कर सकते हैं। थर्ड है सबटेरेनियन डीप सलाइन फॉर्मेशन। सो ऐसे कुछ केव्स होते हैं जो सलाइन या ग्राउंड वाटर के प्रोसेस से बनते हैं, उन केव्स में भी हम जो कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन में कार्बन डाइऑक्साइड कैप्चर किया गया है वो कार्बन डाइऑक्साइड स्टोर कर सकते हैं और उसी वजह से इन तीनों साइट्स में कार्बन डाइऑक्साइड हम स्टोर कर सकते हैं ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन और उस वजह से इस क्वेश्चन का आंसर है डी ऑल ऑफ द अबव, राइट। सो अगला सवाल है, With reference to Global Climate Change Alliance, which of the following statements is are correct? So ये एक initiative था, तो उस initiative पे question पूछा गया है। So first statement है,
इट इज एन इनिशिएटिव ऑफ द यूरोपियन यूनियन। ये सही स्टेटमेंट है क्योंकि ग्लोबल क्लाइमेट चेंज अलायंस ये एक यूरोपियन यूनियन का इनिशिएटिव है जिसमें डेवलपिंग कंट्रीज को यूरोपियन यूनियन असिस्ट करना चाहता है फॉर देयर माइग्रेशन टूवर्ड्स ग्रीन इकोनॉमी। ग्रीन इकोनॉमी के तरफ माइग्रेट करने के लिए डेवलपिंग कंट्रीज को हैंड होल्डिंग की ज़रूरत है और वो हैंड होल्डिंग यूरोपियन यूनियन देना चाहता है थ्रू द प्रोसेस और थ्रू द इनिशिएटिव ग्लोबल क्लाइमेट चेंज अलायंस, राइट। सो उसी वजह से सेकेंड स्टेटमेंट, फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट स्टेटमेंट है। सेकेंड स्टेटमेंट देखते हैं हम अभी। इट प्रोवाइड्स टेक्निकल एंड फाइनेंशियल सपोर्ट टू टारगेटेड डेवलपिंग कंट्रीज टू इंटीग्रेट क्लाइमेट चेंज इनटू देयर डेवलपमेंट पॉलिसीज एंड बजट्स, राइट। सो इस इनिशिएटिव में जो कि यूरोपियन यूनियन ने स्टार्ट किया है, इस इनिशिएटिव के अंदर कुछ चुनिंदा डेवलपिंग कंट्रीज को टेक्निकल और फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलेगा जिसके कारण वो माइग्रेट कर पाएंगे ग्लोबल या ग्रीन इकोनॉमी की तरफ, और उस वजह से ये स्टेटमेंट भी करेक्ट स्टेटमेंट है। थर्ड स्टेटमेंट है, इट इज कोऑर्डिनेटेड बाय वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट WRI एंड वर्ल्ड बिजनेस काउंसिल फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट WBCSD। सो ये स्टेटमेंट गलत स्टेटमेंट है क्योंकि ये होल एंड सोल इनिशिएटिव है यूरोपियन यूनियन का, और उस वजह से थर्ड स्टेटमेंट हमारा गलत स्टेटमेंट, राइट। सो बेस्ड अपॉन दिस डिस्कशन वी कैन से दैट फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट्स आर करेक्ट एंड हेंस आंसर इज A1 and 2 ओनली, राइट। सो आंसर इस क्वेश्चन का है A1 and 2 ओनली। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ ट्रेड रिलेटेड एनालिसिस ऑफ फौना एंड फ्लोरा इन कॉमर्स, यानी के ट्रैफिक, राइट। सो एक ऐसा इनिशिएटिव है जिसमें जो इलीगल ट्रेड है या जिसे ट्रैफिकिंग कहा जाता है, सो ऐसे एनिमल स्पीशीज की जो ट्रैफिकिंग होती है, उस ट्रैफिकिंग के वजह से फ्लोरा एंड फौना का थ्रेटन्ड आस्पेक्ट बढ़ जाता है, और उस थ्रेटन्ड आस्पेक्ट को कम करने के लिए ट्रैफिक ये एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया है। तो चलिए देखते हैं स्टेटमेंट्स क्या पूछे गए। फर्स्ट स्टेटमेंट है, ट्रैफिक इज ए ब्यूरो अंडर यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम। ये एक गलत स्टेटमेंट है क्योंकि ट्रैफिक एक ज्वाइंट इनिशिएटिव है IUCN और WWF का, जिसमें यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम का कोई रोल नहीं है, राइट। सो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा गलत स्टेटमेंट है क्योंकि ट्रैफिक इज नॉट द इनिशिएटिव ऑफ UNEP। सेकेंड स्टेटमेंट है, द मिशन ऑफ ट्रैफिक इज टू एंश्योर दैट ट्रेड इन वाइल्ड प्लांट्स एंड एनिमल्स इज नॉट ए थ्रेट टू द कंजर्वेशन ऑफ नेचर, राइट। सो ये सही स्टेटमेंट है क्योंकि ट्रैफिक का अल्टीमेट एम एनवायरमेंट या फ्लोरा और फौना को एंश्योर या बचाना है, तो उस वजह से ये सेकेंड स्टेटमेंट करेक्ट स्टेटमेंट है। सो बेस्ड अपॉन दिस डिस्कशन ओनली सेकेंड स्टेटमेंट इज करेक्ट एंड हेंस आंसर इज B2 ओनली। आंसर क्या हुआ? B2 ओनली। सो यहां पे ट्रैफिक का डिस्कशन दिया हुआ है, एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, आप पढ़ सकते हैं इसे। नेक्स्ट, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ यू वॉन्ट टू सी घरियाल्स इन देयर नेचुरल हैबिटेट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट प्लेस टू विजिट। अगर आप घड़ियाल्स को उनके नेचुरल एनवायरमेंट में या नेचुरल हैबिटेट में देखना चाहते हो, तो इनमें से सबसे ज्यादा या सबसे ज्यादा चांस किस प्रोटेक्टेड एरिया में घड़ियाल्स को देखने का मिल सकता है? तो वो जगह है चंबल रिवर, क्योंकि चंबल रिवर एक ऐसी जगह है जहां पे घड़ियाल्स पाए जाते हैं, राइट। सो द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज चंबल रिवर। नेक्स्ट, अगला सवाल है, ड्यू टू सम रीजन, सो एक
हाइपोथेटिकल कंडीशन दी है, ड्यू टू सम रीजन इफ देयर इज ए ह्यूज फॉल इन द पॉपुलेशन ऑफ स्पीशीज ऑफ बटरफ्लाइज व्हाट कुड बी इट्स लाइकली कॉन्सिक्वेंस कॉन्सिक्वेंसेस। अगर किसी रीजन से देयर इज ह्यूज फॉल इन द पॉपुलेशन ऑफ बटरफ्लाई पॉपुलेशन देन व्हाट विल बी द कॉन्सिक्वेंस, उसका इम्पैक्ट क्या होगा वो हमें देखना है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट दिया गया है, पॉलिनेशन ऑफ सम प्लांट्स कुड बी एडवर्सली अफेक्टेड। ये स्टेटमेंट सही स्टेटमेंट है क्योंकि हमें पता है बटरफ्लाइज आर इम्पॉर्टेंट पॉलिनेटर्स और वो पॉलिनेशन में मदद करते हैं। अगर उन बटरफ्लाइज की पॉपुलेशन कम हो रही होगी तो कुछ प्लांट स्पीशीज का पॉलिनेशन नहीं हो पाएगा या वो एडवर्सली अफेक्ट कर पाएगा, इसीलिए फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा यहां पे सही होता है। सेकंड स्टेटमेंट है, देयर कुड बी ए ड्रास्टिक इंक्रीज इन द फंगल इन्फेक्शंस ऑफ सम कल्टीवेटेड प्लांट्स। ये स्टेटमेंट गलत स्टेटमेंट है क्योंकि अगर बटरफ्लाइज, मान लीजिए अगर बटरफ्लाइज फंगल इन्फेक्शन को स्प्रेड कर रहे हैं, लेकिन स्टेटमेंट कह रहा है या क्वेश्चन कह रहा है कि बटरफ्लाइज की पॉपुलेशन कम हो चुकी है, तो उस केस में अगर बटरफ्लाइज की पॉपुलेशन कम हो चुकी है तो फंगल इन्फेक्शन ज्यादा होगा या कम? वो ज्यादा नहीं होगा, वो कम होगा, और उस वजह से ये स्टेटमेंट गलत स्टेटमेंट है क्योंकि स्टेटमेंट बोल रहा है कि फंगल इन्फेक्शन बढ़ सकता है, लेकिन ये गलत है। थर्ड स्टेटमेंट है, इट कुड लीड टू फॉल इन द पॉपुलेशन ऑफ सम स्पीशीज ऑफ वास्प्स, स्पाइडर्स एंड बर्ड्स। सो बटरफ्लाइज ये एक फूड सोर्स है वास्प्स, स्पाइडर्स और बर्ड्स के लिए, और उस वजह से अगर बटरफ्लाइज की पॉपुलेशन कम हो रही होगी तो वास्प, स्पाइडर और बर्ड्स के फूड रिसोर्स को इम्पैक्ट हो रहा है और उनकी पॉपुलेशन भी कम होने के चांसेस हो सकते हैं, इसीलिए थर्ड स्टेटमेंट हमारा यहाँ पे सही स्टेटमेंट है। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन शुड बी 1 and 3 ओनली, जो कि हमें दिया गया है ऑप्शन सी में। सो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का है सी, 1 and 3 ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टर्म एम स्ट्रिप्स इज समटाइम्स सीन इन द न्यूज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। सो ये एक टर्म है जो कि टाइगर कंजर्वेशन के लिए हमें देखने को मिलती है न्यूज़पेपर में, राइट? सो द एम स्ट्रिप्स इज द टर्म विच इज सीन ऑफन इन द न्यूज फॉर द मेंटेनेंस ऑफ टाइगर रिजर्व्स। और क्या है ये एम स्ट्रिप्स? एम स्ट्रिप्स मतलब मॉनिटरिंग सिस्टम फॉर टाइगर्स, इंटेंसिव प्रोटेक्शन एंड इकोलॉजिकल स्टेटस। ये है एम स्ट्रिप्स प्रोग्राम और ये एक टेक्नोलॉजिकल प्लेटफॉर्म है जिससे जिसके बेसिस पे हम इफेक्टिव पेट्रोलिंग, एसेस इकोलॉजिकल स्टेटस और मिटिगेट ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कन्फ्लिक्ट इन एंड अराउंड टाइगर रिजर्व्स कर सकते हैं। सो विद द हेल्प ऑफ एम स्ट्रिप्स वी कैन मेक श्योर दैट द टाइगर प्रोटेक्शन इन एंड अराउंड टाइगर रिजर्व्स इज एनहांस्ड, राइट? सो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है बी, एम स्ट्रिप्स इज यूज फॉर द मेंटेनेंस ऑफ टाइगर रिजर्व्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली देयर वॉज ए प्रपोजल टू ट्रांसलोकेट सम ऑफ द लायंस फ्रॉम देयर नेचुरल हैबिटेट इन गुजरात टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग साइट्स। सो ये क्वेश्चन है लायंस के ट्रांसलोकेशन के ऊपर। हमें पता है गिर फॉरेस्ट ये एक नेचुरल हैबिटेट है एशियाटिक लायंस का, और गिर फॉरेस्ट एक ऐसी जगह है जहां पे हम एशियाटिक लायंस को देख सकते हैं, और एशियाटिक लायंस सिर्फ गिर फॉरेस्ट में रेस्ट्रिक्टेड है। लेकिन मान लीजिए कुछ डिसीज या कुछ पैंडेमिक आ जाता है उस पर्टिकुलर गिर फॉरेस्ट में, तो एक चांस ऐसा हो सकता है कि एशियाटिक लायंस की पॉपुलेशन गिर फॉरेस्ट से
और दुनिया से खत्म हो जाए। ये ना हो इसीलिए लायंस का ट्रांसलोकेशन करना चाहिए, और उस ट्रांसलोकेशन के लिए हमने एक जगह या प्रोटेक्टेड एरिया चुना था, वो है कुनोपालपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो मध्य प्रदेश में है, राइट। सो ट्रांसलोकेशन ऑफ लायंस वॉज सपोज टू टेक प्लेस फ्रॉम गिर फॉरेस्ट ऑफ गुजरात टू कुनोपालपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन मध्य प्रदेश, राइट। सो इस वजह से इस क्वेश्चन का आंसर है बी, कुनोपालपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अगला सवाल है, इन इंडिया इफ ए स्पीशीज ऑफ टॉर्टोइज इज डिक्लेयर्ड प्रोटेक्टेड अंडर शेड्यूल 1 ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, व्हाट डज इट इंप्लाई, राइट। सो क्वेश्चन पूछ रहा है, अगर किसी टॉर्टोइज के स्पीशीज को शेड्यूल 1 जो कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट का एक शेड्यूल है उसमें अगर एंट्री मिलती है तो उसका इंपैक्ट क्या होगा। हमें पता है कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में टोटल 6 शेड्यूल्स हैं, और उनमें से सबसे ज़्यादा और स्ट्रिक्ट प्रोटेक्शन उन एनिमल्स या प्लांट स्पीशीज को मिलता है जो शेड्यूल 1 में लिस्टेड है, राइट। सो अगर किसी टॉर्टोइज की स्पीशीज को शेड्यूल 1 में जगह मिल रही है तो उसका ये मतलब है कि वो टॉर्टोइज की स्पीशीज और टाइगर स्पीशीज का प्रोटेक्शन लेवल सेम होगा, राइट। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ए, दैट टॉर्टोइज विल एंजॉय द सेम लेवल ऑफ प्रोटेक्शन एज द टाइगर। क्यों? क्योंकि टाइगर भी एक शेड्यूल 1 एनिमल है, टाइगर भी शेड्यूल 1 एनिमल स्पीशीज है, इसीलिए कोई टॉर्टोइज की स्पीशीज अगर शेड्यूल 1 में एंट्री ले रही होगी तो उसे भी उसी हद का प्रोटेक्शन मिलेगा जिस प्रोटेक्शन को हम टाइगर को दे रहे हैं, राइट। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ए, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ, क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स कैन नॉट बी हंटेड बाय एनी पर्सन एक्सेप्ट अंडर सम प्रोविजंस प्रोवाइडेड बाय लॉ, राइट। सो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 ये एक ऐसा एक्ट है जो अगर कोई इंसान किसी भी एनिमल स्पीशीज को हंट करता है या उसकी शिकार करता है तो वो इंसान उस एक्ट के अंदर लायबल होगा फॉर पनिशमेंट, राइट। सो दिस पर्टिकुलर एक्ट मेक श्योर दैट द एनिमल स्पीशीज आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम हंटिंग, राइट। सो हमें क्वेश्चन पूछा गया है कि इनमें से कौन से एनिमल्स को वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के एक्ट के अंदर हंट नहीं कर सकते हैं। तो घड़ियाल्स को भी हंट नहीं कर सकते, इट इज प्रोहिबिटेड टू हंट घड़ियाल्स, इंडियन वाइल्ड एस एंड इवन वाइल्ड बफेलो। सो ऑल दीज थ्री स्पीशीज कैनॉट बी हंटेड अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। इसी वजह से इस क्वेश्चन का आंसर भी होता है डी, 1, 2 and 3, राइट। सो ये थे हमारे क्वेश्चंस 2017 से। So I hope you have understood these questions. ये questions काफ़ी important है क्योंकि इन question से हमें एक direction मिलेगी। So I'll request you to go through these questions once more. Till then, thank you for your time. Keep watching and keep learning. Thank you. UPSC की prelims परीक्षा में guaranteed success के लिए भारत का प्रसिद्ध publisher प्रभात प्रकाशन आपके लिए लाया है UPSC 26 वर्षों के topic wise solved papers. IAS Dr. मनीष रंजन की इस book में है explained answers और trend analysis. इसके साथ ही जरूर पढ़ें UPSC CSAT जिसमें है paper 2 के 2011 से 2020 के solved papers. ये दोनों books English में भी available हैं। आज ही ऑर्डर करें ऑनलाइन Amazon या Flipkart से और क्रैक करें UPSC एग्जाम।